वेलकम टू academy-hi.com जी स्टूडेंट, हम ऑलरेडी नीड ऑफ मॉड्यूलेशन की वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें मैं आपको बता चुका हूं कि मॉड्यूलेशन हमें क्यों करनी पड़ती है, ऐसी क्या क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से हमें मॉड्यूलेशन करनी पड़ती है। तो वो वीडियो सुनने के बाद फिर आप इसे आज की मॉड्यूलेशन वाली वीडियो को सुनना है आपने। ये मॉड्यूलेशन की वीडियो का सेकेंड पार्ट है, पार्ट वन जो कि नीड ऑफ मॉड्यूलेशन के नाम से मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वो आपको मिल जाएगी। वीडियो आपको academy-hi.com की वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके टेलीकॉम नेटवर्क के टैब में मिलेगी, और या फिर आप काम ये करना, राइट हैंड पे देखो सर्च बॉक्स में नज़र आएगा, वो सर्च बॉक्स के अंदर जो है वहाँ पे मॉड्यूलेशन लिख के सर्च करना, तो वहाँ पे मॉड्यूलेशन और नीड ऑफ मॉड्यूलेशन दोनों वीडियो सामने आ जाएंगी। वरना तीसरा तरीका ये है कि अभी आप जो वीडियो देख रहे हो ऊपर देखो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे एक जहाँ पे मेरा माउस मूव कर रहा है यहाँ पे देखो एक लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक करोगे वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वो नीड ऑफ मॉड्यूलेशन वाली वीडियो वो खुल जाएगी। तो उसको सुनने के बाद फिर ये वीडियो सुनना, ताकि आपको समझ में आ जाएगा आप करने क्या जा रहे हो। देखो मॉड्यूलेशन का जो प्रोसेस है वो हमने ये पढ़ लिया कि भाई हम क्यों करते हैं, सही है। अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि मॉड्यूलेशन बेसिकली है क्या। मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ ये बता दिया है कि हम लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी पर रख के ट्रांसमिट करवा देते हैं, और क्यों करवाते हैं इसकी रीज़न बता दिए। लेकिन जो लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी रख के ट्रांसमिट करवाना है, ये तो नॉन टेक्निकल बात देंगे कि भाई क्या आप फिजिकली रख के ट्रांसमिट करवा, नहीं, वो तो मैं सिर्फ समझाने की बात कही है। तो आज की वीडियो में एक्चुअली बताऊंगा हम करते क्या हैं, लेकिन उसके जाने से पहले हम इस पूरे सिस्टम की बात करते हैं। जो सिस्टम ये काम करता है ना मॉड्यूलेशन का, इसको हम बेसिकली पांच हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट कहलाता है मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर वो डिवाइस है जो कि मॉड्यूलेशन का काम करती है, सही है। मॉड्यूलेशन ऐसे डिवाइस है जो मॉड्यूलेशन का काम करती है, नंबर वन। नंबर टू, जिस लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को आपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना होता है, उसको आप क्या कहते हो, उसको आप कहते हो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, TING। इस बात पे ख्याल करना, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, या इसको आप कहते हो इन्फॉर्मेशन सिग्नल, या इसको कहते हो आप मैसेज सिग्नल, सही है। और जिस हाई फ्रीक्वेंसी पे रख के आप ट्रांसमिट करते हो लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को, उसे आप कहते हो कैरियर सिग्नल। तीन चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ एक होता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल, TED, मॉड्यूलेटेड सिग्नल या मॉड्यूलेटेड वेव। जब आप लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के ऊपर बिठा देते हो तो नया सिग्नल बनता है, उसे आप कहते हो मॉड्यूलेटेड वेव या मॉड्यूलेटेड सिग्नल, सही है। लास्ट चीज़ डीमॉड्यूलेटर। अदर एंड पे आपको जाहिर सी बात है मॉड्यूलेटेड सिग्नल नहीं चाहिए होता, क्यों, क्योंकि मॉड्यूलेटेड सिग्नल के अंदर कैरियर भी शामिल होता है और इन्फॉर्मेशन सिग्नल यानी कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी शामिल होता है। आपने क्या करना होता है, आपको अलग-अलग करना होता है। आप क्या करते हो, डीमॉड्यूलेटर ऐसे डिवाइस है जो कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल को लेते, देखो मैं कभी टिड बोल रहा हूँ और कभी टिंग की बात करूँ, मॉड्यूलेटेड या मॉड्यूलेटिंग, इस बात पर ख्याल करना। नहीं समझ में आया उसको ये पिछले दो मिनट की वीडियो दोबारा सुन लेना। अच्छा, डीमॉड्यूलेटर कौन से डिवाइस है, कि डीमॉड्यूलेटर ऐसे डिवाइस है जो कि अदर एंड पे आपके पास जो आपके पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल को रिसीव करता है, उसमें से कैरियर सिग्नल को अलहदा करने के बाद मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या इन्फॉर्मेशन सिग्नल या मैसेज सिग्नल, इन तीनों एक ही चीज़ के नाम है, इसको निकाल के आगे आपको ट्रांसमिट करवा देता है। सादी सी एग्जांपल, आप रेडियो स्टेशन में बैठे हो, रेडियो स्टेशन का होस्ट है, वो आपसे बातें कर रहा है, सही है। तो भाई वो तो इंसान है, इंसान की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 4 kHz तक की है, और 4 kHz का सिग्नल हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। उसके क्या क्या नुकसान है ट्रांसमिट करने के, मैं आपको ऑलरेडी नीड ऑफ मॉड्यूलेशन बता चुका हूँ। तो आप इसके लिए क्या करते हो, मॉड्यूलेशन का प्रोसेस करते हो, सही है। आप क्या करते हो, एक हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल अपने पास जनरेट करते हो और उस पर इस फ्रीक्वेंसी को ये लो फ्रीक्वेंसी को उस पर रख के ट्रांसमिट करवा देते हो। ये जो बंदा बात कर रहा है, होस्ट बात कर रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो 4 kHz है, लो फ्रीक्वेंसी है, इसको आप कहोगे इन्फॉर्मेशन सिग्नल। जो हाई फ्रीक्वेंसी जो आपने लोकली अपने पास जनरेट किया है ट्रांसमिट करने के लिए, जिसके ऊपर आपने इसको रख के ट्रांसमिट करना है, उसे आप कहोगे कैरियर सिग्नल। जब दोनों को आपने मिलकर कंबाइन करवा दिया तो इसे आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे मॉड्यूलेटेड सिग्नल। जिस डिवाइस ने ये काम किया उसको आप क्या कहोगे, उसको आप कहोगे मॉड्यूलेटर। फिर अब ये ट्रांसमिट हो गया अदर एंड पे गया, वहाँ पे लगा होगा डीमॉड्यूलेटर, आपके पास रेडियो डिवाइस होगी, आपके पास रेडियो स्टेशन रेडियो का हैंड सेट होगा आपके पास, वो उसको रिसीव करेगा, उसमें डीमॉड्यूलेटर लगा होगा, वो क्या करेगा, वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो ट्रांसमिट होकर आया है उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को रिसीव करेगा, उसमें से इन्फॉर्मेशन सिग्नल जो कि उस होस्ट की आवाज़ होगी वो आपको सुनाएगा, और जो हाई फ्रीक्वेंसी उसको निकाल कर उसको डिस्कार्ड कर देगा, ओके। अब हम बात करें मॉड्यूलेशन बेसिकली है क्या। देखो मॉड्यूलेशन के अंदर मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ कि हम लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी पे बिठा के ट्रांसमिट करवा देते हैं, हम बेसिकली फिजिकली ऐसा नहीं करते, वो कोई फिजिकल चीज़ नहीं कि हम किसी को उसको ले आके बिठा दें, वो तो मैं सिर्फ समझाने की बात कर रहा हूँ। अब असल में बेसिकली करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आपने सुनी होंगी,
सॉरी किसी भी सिग्नल की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आपने सुनी होंगी। सिग्नल की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं? एक उसकी फ्रीक्वेंसी होती है नंबर वन, नंबर टू उसकी एम्पलीट्यूड होती है, नंबर थ्री उसकी उसका फेज होता है। और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लेकिन ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पर बात करेंगे। किसी भी सिग्नल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होता है, उसकी लाजमी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, उसका लाजमी कोई ना कोई एम्पलीट्यूड होगा, उसका लाजमी कोई ना कोई फेज होगा, सही है। अब जो कैरियर सिग्नल होता है ना, हम कैरियर सिग्नल की हम इन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर खेलते हैं। हम क्या करते हैं, कैरियर सिग्नल की हम एम्पलीट्यूड को चेंज करते हैं। किस तरह चेंज करते हैं? अपने इंफॉर्मेशन के लिहाज से। मिसाल के तौर पे देखो, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन सिग्नल है, सही है, और ये कैरियर सिग्नल है। इंफॉर्मेशन सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है और कैरियर सिग्नल मेरे पास हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। अब मैं क्या करूँ, देखो जहाँ जहाँ इंफॉर्मेशन सिग्नल की पीक है वहाँ पे मैं कैरियर सिग्नल की पीक लेके आ रहा हूँ, सही है, और जहाँ जहाँ मेरे पास इंफॉर्मेशन सिग्नल की अपने पास क्या है लोएस्ट पीक है वहाँ पे तो लोएस्ट पीक लेके आ रहा हूँ, सही है। ये देखो मैंने क्या किया, मैंने कैरियर सिग्नल को जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी, देखो ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, इसके ऊपर कैरियर से इसके ऊपर इंफॉर्मेशन सिग्नल बैठ चुका है। बैठने से मुराद ये है कि कैरियर सिग्नल की जो एम्पलीट्यूड है आपने चेंज कर दी है, आप एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे हो उसके अंदर, सही है। आप क्या करो, कैरियर सिग्नल की हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो कि कैरियर सिग्नल है इसकी आप एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे हो। किस तरह चेंज कर रहे हो, देखो जब जहां आपकी इंफॉर्मेशन सिग्नल की एम्पलीट्यूड हाई है वहां पे आप कैरियर सिग्नल की एम्पलीट्यूड हाई रहने देते हो, जहां पे आपकी इंफॉर्मेशन सिग्नल की एम्पलीट्यूड लो है वहां पे आप अपने कैरियर सिग्नल की एम्पलीट्यूड लो कर देते हो। इस तरह फ़ायदा क्या हुआ, इस तरह फ़ायदा ये हुआ कि आपके जो कैरियर सिग्नल की एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपने चेंज कर दी है। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज की है, आपने कैरियर सिग्नल की एम्पलीट्यूड चेंज की है। किस तरह चेंज की है, एज पर यूर इंफॉर्मेशन सिग्नल चेंज की है। इसे आप कहते हो मॉड्यूलेशन करना, और इस टाइप की मॉड्यूलेशन को आप क्या कहते हो, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वो मॉड्यूलेशन होती है जिसमें आप कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को चेंज कर देते हो एज पर यूर इंफॉर्मेशन सिग्नल। इसके बाद सेकेंड मॉड्यूलेशन आ जाती है आपके पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या करते हो आप, देखो वही आपका इन्फॉर्मेशन सिग्नल है, सही है, वही आपका कैरियर सिग्नल है। अब आप कैरियर सिग्नल की एम्पलीट्यूड को चेंज नहीं कर रहे, अब आप कैरियर सिग्नल की आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करो। किस तरह करो, देखो जहाँ जहाँ आपकी इन्फॉर्मेशन सिग्नल की पीक है वहाँ पे आपने कैरियर की सिग्नल कैरियर की फ्रीक्वेंसी जो हाई कर दी, और जहाँ जहाँ आपके इन्फॉर्मेशन की लोएस्ट साइड है वहाँ पे आपने कैरियर की फ्रीक्वेंसी लो कर दी। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि जनाब अब आपकी कैरियर जो है इसके ऊपर आपने ये समझ लो कि इन्फॉर्मेशन सिग्नल को बिठा दिया, फिजिकली बिठाया नहीं है, लेकिन आपने क्या किया है, आपने अपने कैरियर को अपने इन्फॉर्मेशन सिग्नल के लिहाज से चेंज किया है। आपने कैरियर की क्या चीज़ चेंज की है, आपने कैरियर की फ्रीक्वेंसी चेंज की। इसे आप क्या कहोगे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। पहले के अंदर आपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, दूसरे में आपने क्या की, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की। तीसरा मेथड देखो, ये आपका इन्फॉर्मेशन सिग्नल ऊपर मैंने नहीं बनाया, समझो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन सिग्नल ऊपर मौजूद है, सॉरी इन्फॉर्मेशन सिग्नल ये नीचे मौजूद है, ये आपका इन्फॉर्मेशन सिग्नल है, क्लियर है, ये आपका कैरियर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, सही है। अब देखो जहाँ जहाँ आपके पास, देखो इसमें आप क्या करो, ये आप फेज मॉड्यूलेशन करो। फेज मॉड्यूलेशन क्या होती है, जिसमें आप फेज चेंज करते हो। देखो जैसे ही आपके पास पॉजिटिव साइकिल ख़त्म हुआ आपने इसका फेज चेंज कर दिया, क्लियर है, फिर नेगेटिव साइकिल पूरा चला, जहाँ पे नेगेटिव साइकिल ख़त्म हुआ वहाँ पे आपने फिर इसका फेस चेंज कर दिया, फिर पॉजिटिव साइकिल चला, जहाँ पे पॉजिटिव साइकिल ख़त्म हुआ वहाँ पे आप फेस, यानी हर हाफ साइकिल के बाद आप क्या कर रहे हो, अपने कैरियर सिग्नल की आप जो है फेस चेंज कर रहे हो। इसे आप क्या कहोगे, फेज मॉड्यूलेशन। ये तीनों काम करके आपको फ़ायदा क्या हुआ, तीनों काम करके आपको फ़ायदा ये हुआ। अब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर। भाई जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर अदर एंड पे जब ये आपका ये वाली वेव ट्रांसमिट होगी, जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव है इसके ऊपर आपका कैरी आपका इन्फॉर्मेशन सिग्नल बैठ चुका है, जब अदर एंड पे जब इसको डीमॉड्यूलेटर रिसीव करेगा ना, वो देखेगा कि जहाँ जहाँ उसको पता होगा हाँ भाई ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, ये पहले प्री डिसाइडेड होता है कि हाँ भाई हम आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल वाला एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाला सिग्नल भेज रहे हैं, सही है। तो वहाँ पर ये देखेगा जहाँ जहाँ पे एम्पलीट्यूड हाई है उसके लिहाज से वेव अदर एंड पर जनरेट करता जाएगा। देखो ये पूरी ये पूरे वेव साइकिल्स ने ये जनरेट कर दिए, सही है, यहाँ से पूरी वेव साइकिल्स ने जनरेट करी है। अच्छा अगर अदर एंड पे जो डीमॉड्यूलेटर उसको ये पता है कि हाँ भाई अब हम जो है ट्रांसमिशन करेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वाली, सही है, तो वो ये देखेगा जहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे पॉजिटिव साइकिल जनरेट कर लेगा अदर एंड पे, जहाँ पे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी वहाँ पे नेगेटिव साइकिल जनरेट कर लेगा, सही है।
या अगर ये पहले डिसाइड हुआ हाँ भाई हमने फेज मॉडुलेशन वाला सिग्नल भेजना है, तो वो ये देखिएगा हाँ भाई जब जब फेज चेंज हो रहा है वो देखिएगा हाँ भाई कहाँ से स्टार्ट है, वहाँ पे पहले उसने लिया पॉजिटिव साइकिल, फिर जब फेज स्टार्ट हुआ समझेगा नेगेटिव साइकिल स्टार्ट हो गया, फिर जब फेज चेंज हुआ वो समझेगा कि हाँ पॉजिटिव साइकिल पे स्टार्ट हुआ, जब देखेगा फेज चेंज हुआ वो नेगेटिव साइकिल स्टार्ट हुआ, यानी वो फेज चेंजेस को डिटेक्ट कर रहा है। इसकी मिसाल ऐसी है, इसकी मिसाल ऐसी यार हम लोग पहले से कोड डिसाइड कर लें कि यार अभी मैं जब हाथ ऊपर उठाऊँ ना तुम समझ जाना यस, जब मैं हाथ नीचे को समझ जाना नो, अब मैं हर थोड़ी बात हाथ ऊपर उठा तुम समझ रहे हो यस, फिर मैं हाथ नीचे कर रहा हूँ तो नो, फिर मैं हाथ ऊपर कर रहा हूँ तुम समझ रहे हो यस, मैं हाथ नीचे कर रहा हूँ तुम समझ रहे हो नो, यानी हमने एक पहले से प्री डिसाइडेड कर लिया है। अब हम अब ये चेंजेस आ रही हैं अप एंड डाउन वाली, इसके जरिए हम आगे इन्फॉर्मेशन को गेट कर रहे हैं। देखो मैं आपको यस और नो नहीं भेज रहा, मेरे हाथ ऊपर करने से आपके पास यस ट्रांसमिट नहीं हो रहा, आप क्या कर रहे हो आपको ये पता है कि यार जब हाथ ऊपर होगा उसको आप यस कंसिडर करोगे, जब हाथ नीचे होगा तो आप उसको नो कंसिडर करोगे। इसी तरह एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन के अंदर अदर एंड को पता होता है कि जब ये हाई जब पीक हाई होगी यहाँ पे हमने किस तरह वेव जनरेट करनी है, जब यहाँ फ्रीक्वेंसी चेंज है हमने किस तरह वेव जनरेट करनी है, जब यहाँ पे फेस चेंज है तो हमने किस तरह वेव जनरेट करनी है, इसे हम कहते हैं मॉडुलेशन। देखें तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है मॉडुलेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कैरियर सिग्नल का या तो एम्पलीट्यूड चेंज करते हो या फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो या फेस चेंज करते हो। अगर आपने एम्पलीट्यूड चेंज किया उसको आप एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन कहोगे, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज किया उसको आप फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन कहोगे, अगर आपने फेस चेंज किया उसको आप फेस मॉडुलेशन कहोगे। ये बातें साइड पे लिखी हैं उसको एक मरतबा पढ़ लेना। ये पूरा मॉडुलेशन का पूरा ब्लॉक डायग्राम आपको बताया गया है, पूरा सॉरी सिस्टम डायग्राम आपको बताया गया। देखो एक शख्स रेडियो स्टेशन बैठा हुआ, उसने माइक्रोफोन से अपनी बात कर रहा है, तो उसका सिग्नल जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है जो कि 4 किलोहर्ट्ज़ का मैक्सिमम होगा। जब वो मिक्सर के पास जाएगा, मिक्सर क्या करेगा, बेसिकली ये मॉडुलेटर डिवाइस है, ये क्या करेगा, ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ऑसिलेटर जनरेट, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल यहाँ से आ रहा है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल यहाँ से आ रहा है, दोनों कंबाइन करके तो उसने हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल यहाँ पर जनरेट कर दिया, उसको आपने एम्पलीफाई किया आगे ट्रांसमिट कर दिया, अदर एंड पर रिसीव हुआ, अदर एंड पर जब ये रिसीव हुआ तो ये हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन वाला सिग्नल रिसीव हुआ, तो डीमॉडुलेटर लगा हुआ उसने, रेडियो रिसीवर रखा हुआ उसमें डीमॉडुलेटर रखा हुआ, इसने क्या कि सिग्नल रिसीव करने के बाद इसकी ये पीक और हाई पीक और लो पीक को देखते हुए इसने ये इन्फॉर्मेशन सिग्नल अपने पास जनरेट कर लिया, जो आपका इन्फॉर्मेशन सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो गया। अच्छा देखें अभी हम आगे मज़ीद डिस्कस करने पहले हम कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करते हैं। देखो कम्युनिकेशन सिस्टम बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम उस कम्युनिकेशन सिस्टम को कहते हैं जिसमें आपका कैरियर सिग्नल वो भी एनालॉग फॉर्म में हो और आपको जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल है वो भी एनालॉग फॉर्म में हो। सही है, यानी इसमें इन्फॉर्मेशन सिग्नल और कैरियर सिग्नल दोनों एनालॉग फॉर्म में होंगे, तो जाहिर सी बात है आगे जो वेव फॉर्म बनेगी वो भी आपकी एनालॉग फॉर्म, जो मॉडुलेटेड सिग्नल बनेगा वो भी एनालॉग फॉर्म में बनेगा। सही है, इसे हम कहेंगे एनालॉग कम्युनिकेशन। जिस तरह रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग होती है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में जो बंदा बोल रहा था वो भी एनालॉग वेव निकल रही होती है, और जिस कैरियर पे उसको रख के भेजा जाता है वो भी एनालॉग वेव निकल रही होती है, और जो फिर आगे जिसको ट्रांसमिट किया वो मॉडुलेटेड वेव जो होती है वो भी एनालॉग ही होती है। तो पूरा सिस्टम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में कहलाता है एनालॉग कम्युनिकेशन कहलाता है। अच्छा फिर डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम जो है दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक कहलाता है डिजिटल ट्रांसमिशन, एक कहलाता है डिजिटल रेडियो। डिजिटल ट्रांसमिशन क्या होता है, डिजिटल ट्रांसमिशन ऐसी ट्रांसमिशन होती है जिसमें डिजिटल सिग्नल को आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हो, इसमें आप जो है किसी एनालॉग कैरियर को इस्तेमाल नहीं करते। क्लियर है, इसके अंदर मॉडुलेशन करते हो, इसमें कौन सी वाली मॉडुलेशन करते हो, इसमें वो मॉडुलेशन करते हो जिसका मैंने आपको लाइन कोडिंग वाली वीडियो के अंदर जिक्र किया है। लाइन कोडिंग वाली वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आपने देखी तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो आप academy-khi.com वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे लाइन कोडिंग लिख के सर्च करो, वहाँ पे मैं डिजिटल ट्रांसमिशन की लाइन कोडिंग वाली वीडियो जिसमें हम लोग डिजिटल मॉडुलेशन करते हैं वो काफ़ी डिटेल के साथ आपको हर चीज़ बता चुका हूँ मैं। सही है, अच्छा अच्छा डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम की एक हो गया डिजिटल ट्रांसमिशन और एक हो गया डिजिटल रेडियो। डिजिटल रेडियो कौन सा ट्रांसमिशन सिस्टम होता है जिसमें आपके पास डिजिटल सिग्नल होता है, इन्फॉर्मेशन सिग्नल जो होता है वो डिजिटल होता है, लेकिन उसको आप एनालॉग सिग्नल पर रख के ट्रांसमिट करते हो। मिसाल के तौर पर आपकी मोबाइल कम्युनिकेशन है, मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर जब मोबाइल के अंदर बोलते हो तो आपकी वॉइस तो एनालॉग है, लेकिन मोबाइल के अंदर जाके मोबाइल का माइक क्या करता है, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर उसको डिजिटल प्रोसेस करता है, कर दिया प्रोसेस, फिर उसको वहां से निकाल के उसने मोबाइल से निकाल उसको मोबाइल टावर तक उसको सेंड करना होता है। वो क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी अपने पास जनरेट करता है, आपके डिजिटल सिग्नल को उठा के अपने एनालॉग वेव पे बिठा के भेज देता है। यानी अब आप क्या हो रहा है, अब आपकी डिजिटल इंफॉर्मेशन एनालॉग इंफॉर्मेशन के ऊपर बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। सही है, इसे आप क्या कहते हो, इसे आप कहते हो डिजिटल रेडियो। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एनालॉग कम्युनिकेशन की तीन टाइप बताई हैं। सही है, जिसमें आप फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन करते हो, एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन करते हो और फेज मॉडुलेशन करते हो, वो तो हमने कवर कर लिया।
डिजिटल ट्रांसमिशन वाली वीडियो हम जो है लाइन कोडिंग में हम कवर कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे डिजिटल रेडियो की। देखिए वही मॉड्यूलेशन के दो टाइप्स हैं बेसिकली, एक एनालॉग जिसमें ट्रांसमिशन सिस्टम दो हैं, एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम और डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, तो मॉड्यूलेशन भी दो ही होंगी। जैसे एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर एनालॉग मॉड्यूलेशन होगी और डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर डिजिटल मॉड्यूलेशन होगी। एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम में जो एनालॉग मॉड्यूलेशन होगी इसकी तीन टाइप्स होती हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, अगर कैरियर की आप एम्पलीट्यूड चेंज करो आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हो, कैरियर की फ्रीक्वेंसी चेंज करो उसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहोगे, कैरियर का फेज चेंज करो उसका फेज मॉड्यूलेशन कहोगे। इसी तरह डिजिटल मॉड्यूलेशन होती है जिसमें क्या होता है, इसमें डिजिटल सिग्नल होता है वो उठ के एनालॉग सिग्नल के ऊपर बैठता है और फिर जाता है। अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको। देखें डिजिटल मॉड्यूलेशन के अंदर डिजिटल मॉड्यूलेशन ए एस के, एफ एस के और पी एस के। ए एस के अंदर एम्पलीट्यूड शिफ्ट कींग, पी एस के अंदर फेस शिफ्ट किंग और ये जो आपके फ्री एफ एस के है ये कहलाती है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग। ये तीन टाइप की मॉड्यूलेशन होती है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग और आपके पास फेस शिफ्ट किंग। ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग, फेस शिफ्ट किंग। जिसमें आप एम्पलीट्यूड चेंज करते हो डिजिटल सिग्नल के लिहाज से उसे आप कहते हो एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग, जिसमें आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो डिजिटल सिग्नल के लिहाज से उसे आप कहते हो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग, जिसमें आप फेस शिफ्ट करते हो डिजिटल सिग्नल के लिहाज से उसको आप कहते हो डिजिटल वो सॉरी फेस शिफ्ट किंग। देखें ये आपका कैरियर सिग्नल है, ये आपका डिजिटल सिग्नल है। अब आप डिजिटल रेडियो की बात कर रहे हो आप, तो ये देखो जहाँ जहाँ पे आपके पास पॉजिटिव पीक है वहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी आपने रखी, जहाँ जहाँ पे आपका नेगेटिव जीरो है आपके पास दो डिजिटल सिग्नल ये उतना वन या जीरो, तो ये तो जहाँ जहाँ पे वन आ रहा है वहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी को जाने दिया, जहाँ जहाँ पे जीरो है वहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी को जाने नहीं दिया। तो अदर एंड पे आपको जब ये अब ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, क्या कहलाएगा ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल, क्यों, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सिग्नल कैरियर सिग्नल के ऊपर बैठ चुका है अब इसके अंदर। तो ये अब अदर एंड पे जब ये रिसीव होगा तो वहाँ पे जो डिमॉड्यूलेटर लगा हुआ है जहाँ जहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको वन काउंट कर लेगा, जहाँ जहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही उसको जीरो काउंट कर लेगा। ऐसा आपकी इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह 1010 दूसरा ट्रांसमिट होगा, सही है। देखें अब हम बात करते हैं एफ एस के, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग। देखो तो जहाँ जहाँ पे वन आ रहा है वहाँ पे आपने हाई फ्रीक्वेंसी को जाने दिया, जहाँ जहाँ पे जीरो आ रहा है वहाँ पे आपने लो फ्रीक्वेंसी को जाने दिया। अब आपने किसके साथ खेला है, अब आपने फ्रीक्वेंसी के साथ खेला है, कैरियर की फ्रीक्वेंसी के साथ आपने खेला है। अब आपने तो इसमें इसको आप कहोगे फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग। अदर एंड पे जो रिसीवर लगा हुआ वो हाई फ्रीक्वेंसी को वन काउंट कर लेगा, लो फ्रीक्वेंसी को जीरो काउंट कर लेगा, क्लियर है। अब आ जाओ आप, ये आपका इन्फॉर्मेशन सिग्नल है, ये आपका कैरियर सिग्नल है, यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो जहाँ 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 पर आपका वन आया पहले, वन से जैसे ही जीरो हुआ इसने फेस चेंज कर लिया। अब जैसे ही जीरो से वन हुआ, सही है, इसने फिर अपना फेस चेंज कर लिया। अब एक मखसूस टाइम पीरियड के लिए आपके पास वन वन दो थोड़ी देर तक रहा तो उसने आगे दो मरता वन काउंट कर लिया। अदर एंड पे दोबारा जब आपका फेस चेंज हुआ आपका वन से जीरो हुआ इसने फिर फेस चेंज, यानी जहाँ जहाँ पे फेस चेंज हो रहा है डिमॉड्यूलेटर क्या करेगा, वहाँ वहाँ पे अगर वन है तो जीरो कर देगा, जीरो है तो वन कर देगा। अब सवाल पैदा ये होता है यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वन वन रहा, सही है, तो यहाँ पे डिमॉड्यूलेटर को कैसे पता चलेगा कि यार यहाँ पे इस दौरान में एक वन लेना है या दो वन लेने हैं या तीन वन लेने हैं। जनाब ये बात मैं आपको लाइन कोडिंग वाली वीडियो में काफ़ी डिटेल के साथ बता चुका हूँ। अब देखो अब आप ये वीडियो सुन रहे हैं, अब आपका लेवल ये आ गया कि आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए, नहीं पता तो इसके लिए वीडियोज़ में बना चुका हूँ, आप सारी वीडियो सुनो तो अब आपको ये सारी बातें डिजिटल कम्युनिकेशन की, डिजिटल ट्रांसमिशन की, मॉड्यूलेशन सब क्लियर होंगी सब, क्योंकि अब सब आपस में इंटरलिंक होती चली आ रही है। जी जनाब उम्मीद है वीडियो आपको सही में आ गई होगी, अगर नहीं आई तो जनाब इसको दोबारा रिपीट करके दोबारा सुन लेना। और आखिरी काम ये करना कि देखो जो वीडियो आप अगर YouTube पे सुन रहे हो वहाँ पर नहीं सब्सक्राइब का ऑप्शन है, उसको सब्सक्राइब का बटन उसको दबा देना, वो ग्रे कलर का हो जाएगा, बराबर में बेल का आइकन आ जाए इसको भी एक मरतबा दबा देना ताकि कोई भी पोस्ट में YouTube पे न्यू वीडियो डालूँ वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।